हर गांव के अंदर चले जाओ वहां विरोध है इनका। सबसे बड़ा चोर तो अमित शाह ही है जी, हमारे गांव के लिए किसी ने नहीं करा, एक मायावती छोड़ के। झूठी वादों के अलावा आप कुछ नहीं ग्राउंड पे हो पाए हैं। उनको वोट दे दो फिर वो अपने घर चले जाते हैं, फिर जो दोबारा वोट मांगेंगे फिर दोबारा भूख लगने पे आते हैं वो। कागजों में विकास किया इन्होंने, वैसे किसी का विकास नहीं किया इन्होंने। जैसे इन्होंने पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने वादा करा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 शहर, एक का भी नाम गिनवा दें कहां इन्होंने बनाया है वो। हम तो बदलाव चाहते हैं जी, बदलाव होगा भी। यहां के जो विधायक है उनका काम है सिर्फ फोटो खिंचवाना, पत्थर लगवाना। फंड आपने मतलब आपके भतीजे ने? हाँ जी, हमने अपने गांव वास गांव के लोगों ने इकट्ठा करके वो कर रहे हैं, और अभी इकट्ठा करके उसका भराव और वो जो गिरने को झज्जर हुई पड़ी है बिल्कुल इतना इतना गैप आ रहा है उसमें। अच्छा, कभी भी हादसा हो सकता है उस पर, तो नाराजगी है जाहिर तौर पर। ज्यादा नाराजगी है और हम तो कहते हैं कि अब के इनको सबक सिखा के मानो सबके। अच्छा, जो सबका जो ये इनका जो नारा था सब, और हमारा भाई गांव से लड़ रहा चमन नागर, वीर सेना से, हमारे प्रत्याशी हैं हम, और हमारे गांव के हैं, हमारे भाई है, हम पूरा गांव हम उनके साथ है। ठीक है, गुजरों की पार्टी है ये। अच्छा, और देखो गुजरों पे भी अभी क्या इन्होंने नाम हटा दिया था, मीर भोज जो वो था सम्राट वीर भोज, वो नाम हटा दिया था, उससे लोग बड़े नाराज हैं। हर गांव के अंदर इसका इनको इन लोगों का विरोध हो रहा है, हर गांव के अंदर चले जाओ वहां विरोध है इनका। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं, क्या वाकई में ही ये फाइट में हैं, क्योंकि विरोध यहां नहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी मुझे नहीं लगता फाइट में है ये लोग। फाइट में है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो बीजेपी फाइट से बाहर है? बाहर है जी, बिल्कुल बाहर है। लेकिन अमित शाह तो शामली अभी आपके यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि मथुरा में है और उनका अगला जो दौरा बताया जा रहा है वो गौतम बुद्ध नगर का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के लिए नहीं, नाराजगी अमित से क्या दूर करेगा? सबसे बड़ा चोर तो अमित शाह ही है जी, उसने क्या नहीं करा यूं तो बताओ। मैं यूं कह रहा हूँ, सब जो चीजें हैं एक एक अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, लोकसभा में हमें जरूर प्रधानमंत्री की साथ दिया था, हमने भी वोट डाली थी, सबको डलवाई थी, बड़े संघर्षपूर्वक वोट डाली डलवाई सब में। 2019 में, 2014 में भी, 2014 में भी, 2019 में भी। लेकिन अब की बार जो हमारे गांव के लिए किसी ने नहीं करा, एक मायावती छोड़ गए, मायावती ने करा, और हमारी जो नई हमारी जो वीर सेना है ये हम सिर्फ दो सीटों पे चुनाव लड़वा रहे हैं। अच्छा, दो सीटों पे चुनाव हो रहा है इस पर बस। चलिए, दो सीट है तो आप जो है आपकी नाराजगी जाहिर तौर पर क्योंकि मान्य है, और जिस तरह के विकास की आपने उम्मीद की थी वो नहीं हुआ, वो नहीं। कुछ और भी लोग हैं, आप उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चमन है और मैं। अच्छा, आप ही चमन जी, वीर सेना से प्रत्याशी दादरी विधानसभा क्षेत्र से। क्या कहेंगे, वजह क्या थी, मतलब आपको एक अपना झंडा लेकर खड़ा होना पड़ा? वजह गुड गवर्नेंस की है, अच्छे स्वास्थ्य। लेकिन दावे तो सबसे ज्यादा योगी सरकार यही करती है, तो गुड गवर्नेंस आप तो मीडिया से आप अच्छी तरह से जांच सकते हैं कि गुड गवर्नेंस कैसे हो रही है। भाई हमसे तो मीडिया के नाम पे योगी जी कह देते हैं, हम सुन लेते हैं फिर, लेकिन ग्राउंड पे आकर तो देखना पड़ता है ना। अभी मैं दादरी विधानसभा की मैं बात करूँ, ये दो भागों में बटा हुआ है। आधे विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं, जहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन है, और आधा क्षेत्र ग्राम पंचायतों से बाहर है जो विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आता है। अब ये दोनों उनके बीच में फुटबॉल बना हुआ है दादरी क्षेत्र। विकास कार्य करने के लिए अगर अथॉरिटी को बोलें तो कहते हैं कि हमारे अंतर्गत आप नहीं आते हैं, और ब्लॉक के अंतर्गत बोलें तो वो कहते हैं कि आप अथॉरिटी के नोटिफाइड एरिया में हैं, हम यहाँ पे विकास कार्य नहीं कर पाएंगे। तो दो फुटबॉल बना हुआ है क्षेत्र उलझा कर रखा हुआ है। अच्छी चिकित्सा यहाँ पर आप देख सकते हैं। पिछले 5 साल के काम बताइए मुझे, जो आपके विधायक ने अपने यहाँ पर कराए हों। झूठे वादों के अलावा आप कुछ नहीं ग्राउंड पे हो पाया है, सिर्फ झूठे वादे करते हैं। कभी आए मिलने आपसे? स्थानीय विधायक यहाँ कभी नहीं आए, गांव में नहीं आए, गांव में किसी के आए भैया विधायक कभी गांव में नहीं आए जी, कभी आए नहीं आए जी, बिल्कुल जी, वो वोट मांगने आते हैं। अच्छा, वोट मांगने? उनको वोट दे दो फिर वो अपने घर चले जाते हैं, फिर जो दोबारा वोट मांगेंगे फिर दोबारा भूख लगने पे आते हैं वो। अच्छा, केवल वोट के टाइम पर? केवल वोट। आप क्या कहेंगे, आप अपना नाम बताइए पहले। नंदू नगर। तो क्या कहेंगे, अब की बार बदलाव चाहते हैं पूरा। तो क्यों, मतलब नाराजगी क्यों है, क्योंकि 5 साल देख लिया इन्हें। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने सबका साथ और सबका विकास किया है। किसका किया है योगी जी ने विकास? अपना विकास किया। एक का भी बताओ तुम,
अब योगी जी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमने सब किसानों को खुशहाल बना दिया, प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। कागजों में विकास किया इन्होंने, वैसे किसी का विकास नहीं किया इन्होंने। तो अब की बार वोट की चोट किस पर होगी? हम तो अपने भाई के साथ नई पार्टी बनाई है, उसी के साथ उसी के साथ हैं। हाँ जी, तो अब की बार मतलब ये है कि गुर्जर जो है वो बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव चाहते हैं, बदलाव है करना है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। अच्छा वीरेंद्र भाई, क्या आपकी बार क्या लग रहा है वोट? बदलाव है अब की बार, हमारे भाई खड़े हैं, भाई को देंगे हम। अच्छा जी, तो जाहिर तौर पर लोगों ने अपने मंसूबे तय कर दिए हैं। आप क्या कहोगे? विजेंद्र नागर नाम है मेरा। जैसे इन्होंने पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने वादा करा था स्मार्ट सिटी बनाएंगे 100 शहर, एक का भी नाम गिनवा दें कहाँ इन्होंने बनाया है वो स्मार्ट सिटी बनाया है। ये बात सही आपने पकड़ी कि विकास के नाम पर इन्होंने स्मार्ट सिटी देने का कहा था, लेकिन कौन सी बनी है ये नहीं। एक का भी नाम बता दो कि हमने स्मार्ट सिटी बनाई है पूरे हिंदुस्तान में, कौन सी बनाई, कहाँ बनाई है। लेकिन जेवर एयरपोर्ट तो लिया है आपके यहाँ, वो गौतम बुद्ध नगर में ही है। मायावती जी ने निर्मित कर दिया था उसका, उसके इन्होंने अनुशंसा नहीं दी, कांग्रेस प्रस्ताव लेकर आई थी वो, उन्हें जो जेवर एयरपोर्ट जो अब बना है, और अभी तो शिलान्यास हुआ है, अभी उसमें बनने में कितना समय लगेगा कितना नहीं लगेगा, शिलान्यास होने के बाद फीते कितने समय बाद कटते हैं तो सबको मालूम है हिंदुस्तान है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अब की बार मोदी या योगी या बीजेपी कोई लहर है प्रदेश में? नहीं, लहर नहीं, बिल्कुल भी लहर नहीं है, नहीं है। तो मामला जो है त्रिकोणीय हो चला, त्रिकोणीय हो चला है। और एक चीज और भी समझो लोगों को, इसलिए तो मैं कुछ मालूम नहीं है कुछ चीजों के बारे में। ये जैसे कहते हैं हमने हाईवे बनाए, मैंने मकान बनाया, उसमें किराएदार वो किराया दे रहा है, मैं रोड पे चल रहा हूँ 2.40 पैसे का चार्ज है उस पर, ₹2.40 पर किलोमीटर, तो उसमें मेरे लिए पर्सनल उपलब्धि क्या है, उनकी उपलब्धि हुई, जनता के लिए क्या उपलब्धि हुई। ये बात बहुत सी बहुत वाजिब तौर पर सामने आई है कि जब हम हाईवे पे चलते हैं तो इन्होंने कहा कि हमने हाईवे बना दिया, दिल्ली से मेरठ की दूरी जो है वो 30 मिनट कर दी है, लेकिन उस पर जो लगने वाला शुल्क है वो ₹250 के लगभग बैठता है, 260 लाल कुएं से ब्रज घाट के लिए ₹240 एक साइड के लगते हैं टोल के, अप डाउन कितने हो गए, ₹480 हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप बताओ ना ₹480 आप लग रहा है चार्ज लग रहा है 90 किलोमीटर का। उसके बाद जिस तरीके से बातें कर रहे हैं सारी चीजें, ये आवारा पशु घूम रहे हैं जो फसल किसानों को उजाड़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये 24 घंटे और ड्यूटी ऐसे कर रहे हैं जैसे कि एक सैनिक करता है सीमा पे, क्या हालत है आप जाकर देखो ना। चलिए, आवारा पशुओं की हालत क्या है, मतलब नाराजगी बेहद है आपके अंदर। और आप बताइए, आप अपना नाम बता दीजिए। संजय नागर। हम तो बदलाव चाहते हैं जी, बदलाव होगा, अभी बदलाव होगा। वजह क्या है बदलाव की? वजह कोई काम नहीं हुआ आज तक। बीजेपी तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, बहुत बड़े दावे, मैं आपको यहीं दिखाता हूँ, यहाँ सफाई वाले आते हैं कोई काम नहीं करते, देखो ये मिट्टी पड़ी हुई है 2 हफ्ते हो गए इसे, हाँ कोई कुछ नहीं, ये यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है, कोई सफाई नहीं है ये। अच्छा, साफ सफाई, चलो कोई सफाई नहीं है। और इसके अलावा कुछ ऐसा जो पिछले 5 साल में बहुत जरूरी था लेकिन हुआ नहीं? शिक्षा के मामले में आप देख लो, शिक्षा के मामले में इतने पिछाड़ दिए इन लोगों ने, हम बिल्कुल बेकार एकदम जीरो, कहीं रोजगार तो है ही नहीं, खराब होगी बच्चे, ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में क्या समझ में आएगा ये बताओ आप मुझे। हर बच्चा मतलब क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार के पास विजन नहीं है? कुछ नहीं है जी, विजन नहीं, कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ समझते ही नहीं है। हम तो पहले बहन जी के साथ थे, अब के भाई लेके आए हैं इनके साथ है, मीर सेना से, अब हमारा नाम कटवा दिया, वहाँ झगड़ा हुआ, लोग पिटे भी, लाठी चार्ज हुई सारे। तो गांव आपका काफी बड़ा है, काफी बड़ा कितना है। कितना पोलिंग होगा पूरा? करीब 6,000-7,000, 5,000-6,000। तो अब की बार पूरे गुर्जर समुदाय ने तय कर लिया है कि अब बिल्कुल बदलाव है। हाँ जी, जैसा रेलवे में 2017 में भर्ती आई थी, 1,00,000 भर्तियाँ आई थी, आप ये बता दें कितने लोगों को ज्वाइनिंग दिया अभी तक उसमें से, जो असल रोजगार के मामले में, रोजगार के मामले में 2017 में भर्ती आई थी, 1,00,000 भर्ती आई थी रेलवे के अंदर। अच्छा, ग्रुप डी की और सी की, बता दें कितने लोगों को भर्ती दी है। तो ये तो कह रहे हैं कि हम 4-4.5 लाख भर्ती हमने दी। नहीं, वो तो राज्य के अंदर दिखा दी इन्होंने, केंद्र के अधीन आई थी रेलवे की जो आई थी, 4.5 लाख भी तो आंकड़े उन्हीं के पास हैं जो दिए हैं जैसे भी बता रहे हो। लेकिन योगी जी कह तो रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, क्यों फिर नौकरी के पीछे पड़े हो आप? पिंचर लगा लगे तो, पिंचर लगा लगे अब योगी जी का तो मतलब यही है, तो आत्मनिर्भर तो यही होगा पिंचर लगा में उस तरह का डेवलप तो करें, एजुकेशन तो लाओगे आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी, अपने आप ही बन जाएगा आत्मनिर्भर। यहाँ के जो विधायक है उनका काम है सिर्फ फोटो खिंचवाना, पत्थर लगवाना और बस चलाई थी कि यहाँ से क्यों सदन में ये बात नहीं रख सकते क्या? नहीं रख सकते, हिम्मत नहीं है सदन। अभी हमें 119 देशों के अंदर हंगर इंडेक्स में भुखमरी में 102 नंबर पर भारत आया है,
ये बात आंकड़े आपने सही दिए। अच्छा क्या आपको नहीं लगता कि आपके विधायक आपके आपके क्षेत्र की समस्या को सदन में रख सकते थे? अब वो रखे तभी तो, जब वो रखेंगे तभी तो मोदी जी और योगी साहब कौन बोलेगा? अच्छा बोलने नहीं देते बताओ, चलिए जैसा मोदी चाहेंगे ऐसा होगा। आप बताइए चुनाव में क्या देखते हैं आपकी बार क्या उम्मीद? तो भैया अपने भाई चमने देखते हैं। अच्छा हाँ, हमारे भाई जो है वीर सेना है, वीर सेना, वीर सेना, वीर सेना, वीर सेना, वीर सेना। तो वीर सेना को है आपकी बार आपके गांव से खड़ी हैं और पूरा समर्थन है इनके साथ ही पूरे गांव का। वजह क्या है, मतलब योगी जी मोदी से नाराजगी या क्या? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया, इसीलिए हमने खड़ा किया है इनको। इसीलिए हमने इनको खड़ा किया है क्योंकि उनसे हमें कोई मतलब क्षेत्र में कोई भी वो नहीं हुआ विकास कार्य। अच्छा इसीलिए हमने इनको खड़ा किया है। आप क्या कहेंगे? हमारे पूरे क्षेत्र में सुरेंद्र नागर। अच्छा सुरेंद्र भाई आप क्या कहेंगे कि अब की बार जो राजनीति, क्योंकि राजनीति जिस पटल पर होती थी उस पर हो नहीं रही है, मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए लेकिन राजनीति किसी और पटल पर हो। हमारे पूरे क्षेत्र ने पंचायत करके हमारे जो ये बड़े भाई हैं चमन नागर जी, इन्हें गांव-गांव में जनसभा करके पंचायत मीटिंग करके और सभी गांवों से समर्थन मिलने के बाद में हम सभी ने मिलकर इनको जो दादरी विधानसभा से मीर सेना पार्टी से टिकट दिलाने के बाद और इनकी विजय की तरफ जो हम प्रयास कर रहे हैं, पूरा ये गांव-गांव में जनसंपर्क चल रहा है और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं गाँव में। तो पार्टियों पे विश्वास नहीं है अभी? पार्टियों पे कोई विश्वास नहीं है, मीर सेना भी एक अच्छी पार्टी है, संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी, जो अच्छे अच्छे मुद्दे रोजगार के हैं, किसानों के लिए हैं, काफ़ी मुद्दों पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा पे हैं और चिकित्सा पे हैं। अच्छा, हमारी पार्टी जो बहुत उछला मीर भोज, जो सम्राट मीर भोज वाला प्रकरण था उसको कैसे देखते हैं आप? वो उससे भी नाराजगी आई है? जी उससे भी नाराजगी है। तो मतलब जिस तरह की राजनीति लगातार ये कर रहे हैं, क्या इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है नुकसान होने नुकसान वाला? होगा आपकी बार नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा इसे। रोजगार के लिए लोग जाते हैं उनके पास, हमारे तेजपाल नागर जी हैं उनके पास जाते हैं रोजगार के लिए, वो बोल तो देते हैं पर आज तक कोई लड़का लगवाया नहीं गया। चमन भाई अभी प्रत्याशी के लिए खड़े हुए हैं, इन्होंने 20 लड़के लगवा भी दिए हैं और बोल भी दिया है आगे से भी क्या लगवाने के लिए तैयार हूँ और लगवा भी रहे हैं। तो इससे हमें मतलब जो है इसीलिए हमने इनको चुना है, जो कुछ भी नहीं था आदमी वो इतना काम करके दे रहा है हमको, तो हम ऐसा ही आदमी चाहिए हमको जो आगे बढ़ा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इनको। तो जाहिर तौर पर सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन लोगों ने ये तय कर लिया है कि अब की बार यूपी में बदलाव होगा। गौतम बुद्ध नगर के अछेजा से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।